नमस्ते। लास्ट वीडियोस में हमने सीखा हुक फॉर्म बनाना साउंड आर और एल के लिए विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। मींस सर्कल जो साउंड एस के लिए होता है, लार्ज सर्कल जो साउंड एस डब्ल्यू के लिए होता है और लूप जो साउंड एस टी के लिए होता है वो हुक फॉर्म के साथ बनाना। सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर। एस उन स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ जिनके साथ हुक फॉर्म आर की भी यूज हो रहा है। द सर्कल्स एस एस डब्ल्यू एंड द लूप एस टी आर प्रीफिक्स्ड टू द स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर बाय राइटिंग द सर्कल और लूप विद द राइट मोशन। मीन्स सर्कल एस एस डब्ल्यू या लूप एस टी को राइट मोशन से बनाना उन स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ जिनके साथ हुक फॉर्म आर की भी यूज हो रहा है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है जैसे प्राय, इसमें पी के साथ आर हुक फॉर्म बनेगी और फिर डिप्थोंग साउंड आई। अगर वर्ड है स्पाई, इसमें पी से पहले सर्कल एस बनेगा विद लेफ्ट कर्व से हम बनाते हैं स्पाई। सर्कल एस बनाया हमने लेफ्ट मोशन से, फिर पी का स्ट्रोक और पी के बाद डिप्थोंग साउंड आई। लेकिन अगर वर्ड है स्प्राइट, इसमें पी के साथ आर हुक फॉर्म और उससे पहले सर्कल एस की साउंड है, तो इसको हम बनाएंगे एस को राइट मोशन से स्प्राइट। अब ये राइट मोशन से बन रहा है तो क्लियर हो रहा है कि इसमें पी के साथ आर हुक फॉर्म है। सर्कल एस, आर हुक पी का स्ट्रोक है, फिर आर हुक फॉर्म है इसमें और डिप्थोंग साउंड आई। ये है हमारा स्प्राइट। आगे और एग्जाम्पल्स करते हैं। वर्ड है ट्रे, इसमें टी के साथ आर हुक है फिर मे वाला वॉवल। वर्ड है स्ट्रे, तो इसे बनाएंगे हम स्ट्रे। सर्कल को हमने राइट मोशन से बनाया है एस सर्कल को, स्मॉल सर्कल को, फिर ये टी के साथ आर हुक फॉर्म है इसमें और मे वाला वॉवल स्ट्रे। वर्ड है क्रू, के साउंड के साथ आर हुक बनेगी और फिर टू वाला वॉवल। अगर वर्ड है स्क्रू तो वो बनेगा इस तरह स्क्रू। राइट मोशन से बना रहे हैं स्मॉल सर्कल साउंड एस के लिए। ईटर, टी के साथ आर हुक फॉर्म ईटर और ये वी वाला वॉवल टी से पहले। अगर वर्ड है स्वीटर, एस डब्ल्यू की साउंड है, लास्ट सर्कल होता है स्वीटर, एस डब्ल्यू का सर्कल है और ये आर हुक है इसमें, अब टी का स्ट्रोक, टी से पहले वी वाला वॉवल। अटर, टी के साथ आर हुक फॉर्म, टी से पहले मच वाला वॉवल। स्टटर, एसटी के लिए लूप बनेगा, स्टटर एसटी के लिए लूप है, टी के साथ आर हुक फॉर्म है और उससे पहले टी से पहले मच वाला वॉवल स्टटर। वर्ड है ओकर, के साउंड के साथ आर हुक हम बनाते हैं उससे पहले, के साउंड से पहले गो वाला वॉवल। लेकिन अगर वर्ड है स्टोकर, इसमें एसटी के लिए लूप है, स्टोकर एसटी के लिए लूप है, के साउंड के साथ आर हुक इंक्लूड है, इस तरह बनाया के से पहले गो वाला वॉवल स्टोकर। सेकंड पॉइंट हम समझते हैं, एस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स। इसके अलावा अदर स्ट्रोक्स के साथ हम एस हुक कैसे, एस सर्कल किस तरह बनाएंगे हुक्ड स्ट्रोक्स के साथ। इन अदर केसेस एस इज रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक सो दैट बोथ सर्कल एंड हुक आर क्लियरली शोन। बाकी अदर स्ट्रोक्स में हम सर्कल एस को हुक फॉर्म के अंदर बनाएंगे जिससे कि हुक फॉर्म और सर्कल एस क्लियरली शो हो, दिखे हम। जैसे वर्ड है ऑफर, एफ के साथ आर हुक है, एफ से पहले नॉट वाला वॉवल। अब ये वर्ड है सफर, इसमें हम एफ के साथ आर हुक है और सर्कल एस बनाएंगे एस के लिए, वो बनेगा इस तरह सफर। ये सर्कल एस है और इस ये हुक फॉर्म आर है, एफ का स्ट्रोक, एफ से पहले मच वाला वॉवल, ये हमारा क्लियर है। इसमें सर्कल और एस और ये हुक फॉर्म अलग अलग हमें क्लियरली दिख रहा है। वर्ड है सेवर, वी के साथ हुक फॉर्म और एस के लिए सर्कल सेवर। सर्कल एस,
आर हुक फॉर्म, वी का स्ट्रोक, वी से पहले पेन वाला वॉवल। वर्ड है डेसीवर, डेसीवर, डेसीवर। डी का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, एस साउंड के लिए सर्कल और वी के साथ आर हुक फॉर्म है, वी से पहले वी वाला वॉवल। हमें क्लियरली पता चल रहा है साउंड एस के लिए सर्कल बनाया है और ये हुक फॉर्म आर और वी का स्ट्रोक, डेसीवर। सुदर, डी के साथ आर हुक फॉर्म और उस डी से पहले सर्कल एस है तो सर्कल एस आर हुक फॉर्म है, डी और डी से पहले टू वाला वॉवल, सुदर। सिनर, सर्कल एस बनाया, एन के साथ आर हुक फॉर्म है, एन से पहले इस वाला वॉवल, सिनर। वर्ड है प्रिजनर, प्रिजनर। पी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, सर्कल एस बनाया, एन के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, एस से पहले पी आर, आर के बाद इस वाला वॉवल, प्रिजनर। वर्ड है प्लाइज, पी के साथ एल हुक फॉर्म, प्लाइज। पी के साथ एल हुक फॉर्म बनाई, एस बनाया सर्कल के लिए, एल के बाद डिप्थोंग साउंड एस, डिप्थोंग साउंड आई। लेकिन अगर वर्ड है सप्लाइज, सप्लाइज, सर्कल एस बनाया, पी के साथ एल हुक फॉर्म है, पी से पहले मच वाला वॉवल, सर्कल एस, एल के बाद डिप्थोंग साउंड आई। पॉसिबल, बी के साथ एल हुक फॉर्म, पॉसिबल, पॉसिबल। पी के बाद नॉट वाला वॉवल, सर्कल एस बनाया और ये बी के साथ एल हुक फॉर्म, बी से पहले इस वाला वॉवल। हमें इसमें अलग अलग क्लियरली हुक फॉर्म और सर्कल एस दिख रहे हैं। पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल। पी का स्ट्रोक, पेन वाला वॉवल, डी का स्ट्रोक, डी के बाद सर्कल एस और टी के साथ एल हुक फॉर्म, पेडेस्टल। वर्ड है सेटल, टी के साथ एल हुक फॉर्म और टी से पहले सर्कल एस, सेटल। टी से पहले पेन वाला वॉवल, सेटल। हुक फॉर्म और सर्कल एस हमें अलग अलग दिख रहा है। वर्ड है सेचल, चे साउंड के साथ एल हुक, टी हमारा साइलेंट है, सेचल। सर्कल एस बनाया चे साउंड से पहले, फिर एल का हुक है और चे का स्ट्रोक है, चे साउंड से पहले एट वाला वॉवल, सेचल। सिकल, सिकल। सर्कल एस बनाया, के साउंड के साथ एल हुक फॉर्म बनाई, के से पहले इस वाला वॉवल, सिकल। बाइसिकल, बाइसिकल, बाइसिकल। बी का स्ट्रोक, डिप्थोंग साउंड आए, सर्कल एस, के साउंड के साथ एल हुक फॉर्म और उससे पहले इस वाला वॉवल, सिकल, एस के बाद। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम, एक्स के साउंड से, के और एस, के साउंड से पहले पेन वाला वॉवल, सर्कल एस, इधर के साउंड के बाद एल, के साउंड के साथ एल हुक फॉर्म, उसके बाद मे वाला वॉवल और एम का स्ट्रोक, एक्सक्लेम। इस एक्स में के और एक्स की साउंड है, एक्सक्लेम। इवल, इवल। वी के साथ एल हुक फॉर्म, लार्ज हुक होता है, वी से पहले वी वाला वॉवल, सिविल, सिविल। वी के साथ हमने एल हुक फॉर्म बनाई है और वी से पहले सर्कल एस, साउंड एस के लिए और वी से पहले इस वाला वॉवल, सिविल। एल हुक फॉर्म और सर्कल एस क्लियरली अलग अलग शो हो रहा है। प्रॉस्पर, पी के साथ आर हुक फॉर्म, पी के साथ आर हुक फॉर्म, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर। पी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, नॉट वाला वॉवल, एस बनाया और पी के साथ आर हुक फॉर्म, प्रॉस्पर। वर्ड है ऑफस्प्रिंग, पी के साथ आर हुक फॉर्म, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग,
एफ से पहले नॉट वाला वॉवल, सर्कल एस, पी के साथ आर हुक फॉर्म, इंक का स्ट्रोक, इंक से पहले इस वाला वॉवल, ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट पेज वर्ड है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डी का स्ट्रोक, सर्कल एस, टी के साथ आर हुक फॉर्म, आर के बाद डिप्थोंग साउंड ओय, डिस्ट्रॉय, सर्कल एस और हुक फॉर्म अलग अलग शो हो रहा है। एक्स्ट्रा, 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 एक्स से पहले पेन वाला वॉवल, आर के बाद एट वाला वॉवल, एक्स्ट्रा। वर्ड है मिस्ट्री, टी के साथ आर हुक फॉर्म, मिस्ट्री, एम का स्ट्रोक, सर्कल एस, सर्कल एस से पहले इस वाला वॉवल, टी के साथ आर हुक फॉर्म, आर के बाद इस वाला वॉवल, मिस्ट्री। नॉस्ट्रम, टी के साथ आर हुक फॉर्म, नॉस्ट्रम, नॉस्ट्रम, एन के बाद नॉट वाला वॉवल, सर्कल एस, टी के साथ आर हुक फॉर्म, मच वाला वॉवल, एम का स्ट्रोक, नॉस्ट्रम। वर्ड है लिस्पर, लिस्पर, एल का स्ट्रोक, सर्कल एस से पहले इस वाला वॉवल, पी के साथ आर हुक फॉर्म, लिस्पर। रेसाइटर, 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 आर के बाद सर्कल एस, सर्कल एस के बाद डिफ्थोंग साउंड आई, टी के साथ आर हुक फॉर्म, रेसाइटर। वाइस एकर, वाइस एकर, वे साउंड के बाद डिफ्थोंग साउंड आई, सर्कल एस, इसमें के साउंड के साथ आर हुक फॉर्म, के साउंड से पहले मे वाला वॉवल, वाइस एकर। अब कुछ वर्ड्स में एक्सेप्शंस भी हैं। हम फर्स्ट करते हैं वेयर एल हुक कैन नॉट बी क्लियरली शोन इन द मिडल ऑफ अ वर्ड द स्ट्रोक एल इज रिटन। कुछ वर्ड्स के मिड में एल हुक फॉर्म है तो उसमें वो क्लियर नहीं है तो हम उसके लिए हुक फॉर्म नहीं यूज करेंगे, एल के लिए हम स्ट्रोक बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, फोर्सिबल, 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 देखिए एफ का स्ट्रोक, गो वाला वॉवल, डाउनवर्ड आर, साउंड एस के लिए सर्कल बनाया, बी का स्ट्रोक और उसके बाद एल का स्ट्रोक, बी से पहले इस वाला वॉवल, इसमें हमने एल के लिए स्ट्रोक बनाया, पॉसिबल नहीं था एल के लिए हुक फॉर्म बनाना। नेक्स्ट समझते हैं अनसेडल, 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 एन से पहले मच वाला वॉवल, सर्कल एस, डी का स्ट्रोक, बी से पहले एट वाला वॉवल, एल के लिए स्ट्रोक, अनसेडल, इनमें हम एल के लिए स्ट्रोक बना रहे हैं। म्यूजिकल, 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 एम का स्ट्रोक बनाया, सर्कल एस से पहले डिप्थोंग साउंड यू, के का स्ट्रोक, के साउंड से, के का स्ट्रोक, के साउंड से पहले इस वाला वॉवल, के साउंड के बाद एट वाला वॉवल और एल के लिए स्ट्रोक, म्यूजिकल। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हेन एसकेआर और एसजेआर फॉलोस टी और डी द सर्कल एस इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन। जिन वर्ड्स में साउंड एस के आर या एस के आर टी और डी के बाद आएगी उसमें साउंड एस के लिए हम सर्कल जो है लेफ्ट मोशन से बनाएंगे। जैसे वर्ड है टैकर, इसको हम लिखते हैं टैकर, टी के बाद एट वाला वॉवल, के साउंड के साथ आर हुक फॉर्म। वर्ड है टास्कर, टास्कर, टी के बाद एट वाला वॉवल, सर्कल एस जो हमने लेफ्ट मोशन से बनाया है इसमें आर हुक फॉर्म भी है के साथ। टेस्कर, टू शॉर्ट लाइंस, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। डिग्री, डिग्री हम बनाते हैं डिग्री, डिग्री। डिसअग्री, डिसअग्री, डी के बाद इस वाला वॉवल, सर्कल एस, गे साउंड के साथ आर हुक फॉर्म और उसके बाद बी वाला वॉवल, डिस अग्री, सर्कल एस को हमने लेफ्ट मोशन से बनाया है। डिग्रेस, 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 डी का स्ट्रोक बनाया,
ये साउंड के साथ आर हुक फॉर्म, उसके बाद पेन वाला वॉवल सर्कल एस, क्लियर है। डिग्रेस, वर्ड है डिसग्रेस, 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 डी साउंड के साथ सर्कल एस मोशन से, ये साउंड के साथ यहां आर हुक है इसमें, फिर साउंड एस के लिए सर्कल, इस आर के बाद ने वाला वॉवल, डिसग्रेस। एक और लास्ट समझते हैं हम, व्हेन एस के आर और अकर्स आफ्टर पी और बी द हुक आर मे बी ओमिटेड। जब साउंड एस के आर जो है पी या बी के बाद आएगी तो हम उसमें आर को ओमिट कर देंगे, उसके लिए कोई हुक फॉर्म या साइन नहीं बनाएंगे। जैसे वर्ड है प्रेस्क्राइब, 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 पी के साथ हमने आर हुक फॉर्म बना दी, पेन वाला वॉवल लगाया, सर्कल एस बनाया और फिर के का स्ट्रोक बनाया और बी का स्ट्रोक, इसमें जो आर के बाद साउंड है उसके लिए डिफ्थोंग साउंड आई लगाई, हमने आर के लिए कोई हुक फॉर्म नहीं है इसमें, उसको हमने ओमिट कर दिया। वर्ड है सब्सक्राइबर, 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 सर्कल एस बनाया, बी का स्ट्रोक बनाया, बी से पहले मच वाला वॉवल, सर्कल एस बनाया, इसको हमने ओमिट कर दिया, के साउंड के लिए स्ट्रोक बनाया और बी के साथ आर हुक फॉर्म बनाई, इसमें जो आर के बाद डिफ्थोंग साउंड आई है वो लगाया, हमने इस आर को ओमिट किया है, सब्सक्राइबर। इसे हम आगे और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 47 के थ्रू। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।